कंटूर एरिया का ये सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है और ये भी मैं इंपोर्ट करके ही लेके आया हूँ। तो इसमें मैं MCS में जाता हूँ और इसे टॉप में ले लेते हैं ओके। और वर्क पीस में जाते हैं और वर्क पीस में जाके पार्ट हमने लिया और मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं सिलेक्ट हो रहा है। ये कई बार प्रॉब्लम आती है जब आप इंपोर्ट करके लाएंगे, तो आप ध्यान रखिए अगर आपकी जो मॉडल है वो सरफेस में है तो आप सरफेस की जगह फेस को सिलेक्ट कर दीजिए ओके। और यहाँ से ब्लैंक ब्लैंक अगर मैं यहाँ से बाउंडिंग ब्लॉक ले लेता हूँ, सपोज इन केस बाउंडिंग ब्लॉक लिया तो मैं पहले रफिंग और सेमी फिनिश का ऑपरेशन करूँगा फिर फिनिशिंग का करूँगा ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रफिंग का ऑपरेशन लगा लेता हूँ सिर्फ। तो एक टूल डिफाइन करते हैं और क्लिक मिलिंग का रफिंग के लिए एक टूल ले रहे हैं और इसको हमने कर दिया। और यहाँ से लोअर रेडियस भी करते हैं हम ठीक है, और लेंथ को 1 कर दिया और इधर हमने कर दिया 2 कर दिया ओके। और ये हमारा, अब मैं पहले एक कैविटी मिल से इस पे रफिंग का ऑपरेशन कर देता हूँ और रफिंग का मेटल जो है वो कम कर देते हैं ठीक है। तो यहाँ से लिया हमने, सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए या आप सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप सिलेक्ट कर लीजिए है ना। और ट्रिम मैंने कुछ नहीं करना चाहता हूँ, और फॉलो पैराफेरी या फॉलो पार्ट जैसी आपको ठीक लगे। और 40% और इसको हम कर देते हैं 1 to 5 inches में चल रही है यूनिट है ना, इस वजह से इतना बड़ा बड़ा हमें दिखाई दे रहा था। अच्छा, और यहाँ से कटिंग पैरामीटर में जाके हम स्टॉक को कम कर देते हैं। स्टॉक ये हमारा है 0.3 का स्टॉक आ रहा है तो मैंने 0.01 का स्टॉक छोड़ दिया। और ये चलिए ये तो टॉलरेंस है, छोड़ देते हैं फिर। अब जनरेट करके देखते हैं, डेप्थ ऑफ कट अभी भी ये कुछ ज्यादा ही है। जनरेट, चलिए इसे मैं ज्यादा नहीं छेड़ा हूँ, जैसा है ठीक है। और रफिंग का ऑपरेशन था, रफिंग देख लेते हैं। अब इसके बाद मैं सेमी फिनिश या बाकी ऑपरेशन रेस्ट मिलिंग नहीं लगाऊंगा, मैं सीधे अब इसके ऊपर आपको फिनिश करके दिखाता हूँ कंटूर एरिया ठीक है ना, ताकि जो ऑप्शन है वो आपको पता चल जाए। और इसे कर देते हैं ओके और ओके। अब टूल चाहिए होगा मुझे, तो बॉल मिल का एक टूल ले लेते हैं और इसे हम कर देते हैं और इसे भी कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं। टूल नंबर का टूल है ओके। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं सेम वही ऑप्शन हमारा कंटूर एरिया। और कंटूर एरिया के अंदर ये रहा और वर्क पीस और इसे फिनिश कर देते हैं ठीक है जी। अब आप सिलेक्शन कर लीजिए कौन सा एरिया है, तो एरिया हमारा ये एरिया जो कट करना चाहते हैं। और अगर कुछ भी नहीं लेता हूँ डायरेक्टली जनरेट करते हैं तो देखिए नन भाई ऐसा जनरेट कर रहा है ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो नन ही होती है। यहाँ से आप इसे जाके कर सकते हैं स्टीप या नॉन स्टीप, जैसा भी आपको ठीक लगता है। और स्टीप मैंने लिया 65% आ रहा है, लेट्स सी क्या रिजल्ट ये देता है। 20% कर दिया ओके जनरेट। तो एंगल जो है कुछ ज़्यादा है तो ले नहीं रहा है, तो हम इसके एंगल को चेंज कर देते हैं 45 degree ओके जनरेट। अभी आ गया ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये वाला मुझे लगता है और कम है तो हम इसे कर देते हैं 40 degree जनरेट। अभी भी नहीं आया है, अगर इसे भी स्टीप में ही रखना है तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज ये बाकी नॉन स्टीप में आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं लेंगे तो हम इसे नॉन स्टीप में भी ले सकते हैं ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया और ये जो पैरामीटर आ रहे हैं, देखिए मैं वहाँ से चेंज कर रहा था लेकिन ये चेंज नहीं हो रहे क्योंकि मुझे स्टीप में से लेना पड़ेगा। तो आप स्टीप वाले में जाइए और इसको चेंज करिए स्टीप से, सपोज 20 ले लिया और यहाँ पे 10 ले लिया और 5 और ओके जनरेट। ये हमारा जनरेट होके आ गया स्टीप पे। अगर इसको अभी मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ स्टीप के ऊपर काट रहा है, स्टीप को काट रहा है ना जो हमने वहाँ पे स्टीप किया था वो। अब इसे ओके कर देते हैं और सेम यही वर्क मैं हाँ स्टीप वाला कहाँ से कर सकता हूँ,
आप दुबई से जाइए और यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो एक ऑप्शन मेरे पास है, ये रहा कंटूर स्टीप एरिया। जब आप कंटूर स्टीप एरिया लेते हैं, ओके करा, बाकी एरिया ऑप्शन में सेम रखा, और यहाँ से सिलेक्शन मैं वही ले रहा हूँ जो कंटूर एरिया के लिए मैंने लिया था, सेम वही सिलेक्शन करा है। और जब आप यहाँ से जाके चेक करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट स्टीप सिलेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन स्टीप सिलेक्शन मिलेगा, 35 डिग्री हमारा एंगल हो गया। और यहाँ पे हम इसे चेंज कर सकते हैं टूल में, और इसे हमने कर दिया 10 और ये फिर 10, और ये बिल्कुल अब ऐसा ही रिजल्ट देगा जैसा कि हमने पहले लिया था जनरेट। अभी ये 90 आ रहा है कुछ, है ना, तो 90 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से एंगल 90 हो गया है, ठीक है। तो मैं वेक्टर ले सकता हूँ, लॉन्गेस्ट एज ले सकता हूँ, तो कोई सा भी ले लीजिए जो आपको ठीक लगे, जनरेट ऐसा। फिर से चलते हैं यहाँ से, वेक्टर को हम चेंज कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट एज, ओके, जैसे जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो जीरो करते हैं एंगल को, ठीक है। तो जीरो पे डायरेक्शन स्टीप के अंदर एक ही डायरेक्शन का लेगा, ठीक है, ये वाला एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, या तो इधर की डायरेक्शन लेगा, तो ये वाले डायरेक्शन में हमारे ये फेस आते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से गया मैं और इसको मैंने चेंज करके, सॉरी इसको हम चेंज करके इसे मैंने 90 कर दिया, तो अब देखिए कौन से वाले फेस आ रहे हैं, इधर वाले फेस आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शनल के अंदर आप एक ही डायरेक्शन ले पाएंगे, और अगर यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ डायरेक्शनल की जगह खाली स्टीप, तो स्टीप में अब एंगल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ऑटोमेटिक रख लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये डायरेक्टली सारे स्टीप के लिए कैलकुलेट करेगा जैसा कि हमारे पहले वाले में काम कर रहा था, ठीक है, ओके। इसी का ही नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो वाला हमारा कौन सा था, जब हम इसमें यूज करते कंटूर मिलिंग में, यहाँ पे हमारे पास था नॉन स्टीप, तो मैं इसे करता हूँ नॉन स्टीप, एंगल वही रहने देते हैं 10, ऑटोमेटिक सब कुछ सेम, ओके, और जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये नॉन स्टीप वाले एरिया पे आ गया। अब यही काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, एक और मेरे पास ऑप्शन है ये, ठीक है, कंटूर नॉन स्टीप एरिया, ये अलग से भी दे रखा है, और वहाँ से भी कर सकते हैं आप जहाँ से भी आपको सुटेबल लगता है। सिलेक्शन करते हैं, और मिलिंग, और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नॉन स्टीप, ठीक है। एंगल हमने क्या 30 यूज़ किया था पिछली बार, तो वही एंगल सिर्फ आपको इनपुट करना है, बाकी सब हमारा सेम तरीका, ओके, जनरेट, ठीक है। तो ये नॉन स्टीप आपका ये हो जाएगा, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं या आप वहाँ से भी ले सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगे, जो भी ठीक लगे आप वहाँ से इसको ले पाएंगे। ये है हमारा कंटूर एरिया का सेकंड।